हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्या आया हूँ, आरआरसी रेलवे ग्रुप डी और आपके जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चन को देखिएगा और सबसे पहले वीडियो शुरू करो, इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल का जो बटन होता है वो भी आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने आ जाता है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्त यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कब से लागू कर दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, जब भारत सरकार अधिनियम एक्ट आया था 1935, उसके बाद से जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का रूल है वो भारत में लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो आपको बता दें, इसका सही जवाब हो जाता है अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सिविल सर्विस सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? यानी कि इंडिया में सिविल सर्विस जो होता है, आप जो देखते होंगे यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है आईएएस आईपीएस वगैरह के लिए, ये भारत में कब से चालू हुआ था? तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो आपको बता दूं, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था पहली बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, अमृत बाजार पत्रिका के स्थापना किन्होंने किया था? ध्यान रखिएगा, बीबीए प्रश्न है, इसकी रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने की संभावना है। तो इसका सही जवाब हो जाता है शशि कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झंडा गीत किसने लिखा था? तो आपको बता दूं, झंडा गीत जो है श्याम लाल गुप्त, जो कि उनका जो उपनाम आता है वो पार्षद आता है, उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की प्रणाली सिद्धांत किया गया यानी कि ये कब से लागू किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 1853 से, और किन्होंने किया था वो आपको अभी देखा पिछले क्वेश्चन में, कॉर्नवालिस ने। तो ये दोनों लाइनें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को काउंसिल का एक फैसला हुआ था जिसको कि रद्द करने का राइट मिला था, वो उनको किस एक्ट के तहत मिला था? तो आपको बता दूँ, ये एक्ट जो था 1786 था। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बंकिम चंद चटर्जी ने उपन्यास दुर्गेश नंदिनी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला का सर्वाधिक योगदान रहा? तो आपको बता दूँ कि इसमें सर्वाधिक योगदान जो था इंडिया में 1947 के बाद अरुणा आसफ अली जी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वंदे मातरम गीत के लेखक, क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आप ध्यान रखिए, कई बार आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो वंदे मातरम के जो रचयिता थे वो थे बंकिम चंद चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? तो आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा को बिहार से अलग 1936 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड ड्रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट जो था 1878 उसको रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका के अंदर पब्लिक्स होती है फ्री हिंदुस्तान, उस अखबार को तारकनाथ दास जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडियन अनरेस्ट के लेखक, ध्यान रखिएगा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसका जो सही जवाब होता है वो होता है वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने इंडियन अनरेस्ट बुक की रचना की थी। ये सारे बीवीआई प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में कभी भी किसी भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और आप इसकी तैयारी करके नहीं जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो सही जवाब हो जाता है के रामकृष्ण पिल्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? ध्यान रखना है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सी भाषा में छपा, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी भाषा में नहीं छपा था। तो सही जवाब हो जाता है तमिल में द इंडियन ओपिनियन की पत्र नहीं छपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था?
तो आपको बता दूं हंटर कमीशन का रिपोर्ट था वो एजुकेशन से रिलेटेड था, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया गया था, जिसमें से कि 9 से लेकर 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य वगैरह की बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो आपको बता दूं ये जो एक्ट था वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, जो भारत के गवर्नर जनरल होंगे वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो सही, प्रेस सेंसरशिप के लिए यानी प्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है और गवर्नर जनरल का नाम आता है तो ध्यान रखिए बेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल आपके सामने आ गया है, भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार जो है करने का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन का जो इंडिया में बहिष्कार करने का मुख्य कारण था वो ये था कि इसमें कि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सारे के सारे अंग्रेज थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में द्वंद शासन यानी कि डायआर्की का प्रारंभ किस एक्ट के तहत और किनके निगरानी में किया गया था? तो आपको बता दूं इसमें था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के तहत जो है भारत में द्वंद शासन लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके भी बार बार एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो इसका सही जवाब हो जाता है बरदोली सत्याग्रह के बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इस वाले आंदोलन मुख्य भूमिका निभाए थे और इसके बाद ही उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, वहाँ के जो महिलाओं था उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने अशोक आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो आपको बता दूँ कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़े जलाए जा रहे थे उसे निष्ठुर बर्बादी बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उनका मानना था कि हमें किसी भी तरह से किसी भी वस्तु का किसी गुड्स का नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें बहिष्कार जरूर करना चाहिए, उन कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी भी संपत्ति को नाश नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किन्होंने बनाया था? तो आपको बता दूँ इसका जो आलेख था वो महात्मा गांधी ने तैयार किया था। अगला सवाल आपके सामने आ जाता है, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती जो आश्रम है वो किस शहर में है? तो आपको बता दूं ये जो साबरमती आश्रम है आप लोगों को पता होना चाहिए अहमदाबाद में है, ये गुजरात के, तो अगर कई बार लोगों को गुजरात तो पता होता है लेकिन शहर का नाम नहीं पता होता तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं, त्रिपुरा संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो त्रिपुरा संकट के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसे समाप्त कर दिया जाए? तो आपको बता दूं महात्मा गांधी चाहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, वह त्रिपुरी कहाँ है? तो वो कौन सा जगह था जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना गया था? तो आपको बता दूँ जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूँ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आता है, गलत करके आता है, ध्यान रखिएगा ये बहुत आसान क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जो थे साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारा जीवन का जो प्रकाश था वो चला गया? तो आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था गांधी जी के मृत्यु के बाद कि हमारे जीवन से जो प्रकाश है वो चला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो आप ध्यान रखिएगा फिनिक्स फॉर्म था उसकी स्थापना जो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो आप ध्यान रखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कवि इकबाल
जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा था वह भारत में किस स्थान से संबंधित है? तो आपको बता दूँ जो इकबाल है वो पंजाब राज्य से संबंधित है। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है इस बार परिवर्तन करके भी पूछा जा रहा है सभी एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो आपको बता दूँ 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितने थी? तो आपको बता दूँ जो 1937 में चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को टोटल 6 प्रांत मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय मुसलमान को पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपको बता दूँ पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग था वो चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने के संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता हुआ था, यानी कि इसके 1929 में जो कांग्रेस के लाहौर सम्मेलन हुआ था जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, यानी कि 1946 में ही ये एक्ट आ गया था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके तहत ये कह दिया गया था कि भारत जो है 1947 में आज़ाद हो जाएगा, इसके लिए जो लास्ट गवर्नमेंट थी 1946 में बनी थी इंडिया में, तो उसके जो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को कौन सा विभाग मिला था आपको बता दूँ, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी के पास खाद्य एवं कृषि डिपार्टमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वर्ष 1949 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आपको बता दूँ कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये कुछ VVIP और VIP प्रश्न थे जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी और NTPC के एग्जाम में आने की संभावना है, तो इसको एक बार दोबारा आप रिपीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।